तो ये जानकारी होनी चाहिए। कहाँ तक पढ़े लिखे आप? मैं मास्टर किया हूँ और चाहते पीएचडी कर रहा था। मास्टर किए गए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो सरकारी कंपनियाँ हैं वो सरकारी कंपनी को बहाली करने का एक नियम होता है और नियम आवश्यक है। यहाँ पर मुख्य कानून नहीं चलता, यहाँ पर संविधान है। संविधान में सबको भारत सरकार के नौकरियों पर समान अधिकार है। उसमें भी अमूमन करता है ये इंटरव्यू और मार्क्स के आधार, अब वो भी एडवर्टीजमेंट के आधार पर करता है, तो यहाँ के लिए नौकरी रिजर्व नहीं होती। लोकसभा चुनाव में तमाम पार्टी के उम्मीदवार जोरों शोरों से तैयारी कर रहे, जनसभा कर रहे, जन को संबोधित कर रहे, लोगों के बीच जा रहे, अपनी बातें रख रहे हैं। और ऐसे में एक खबर आई है आरा से, जहां से मौजूदा सिटिंग सांसद आर के सिंह पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया और उन्हें एक बार फिर से टिकट मिला। लेकिन जनसभा को संबोधित करते हुए, लोगों से बात करते हुए एक युवा ने उनसे ही सवालात कर दिए और सवालात में वो घिर जाते हैं। देखिए किस तरीके से युवा के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, अपने ही सवालों में उलझा देते हैं। जरा वो सुनिए क्या कह रहे हैं आर के सिंह। मैं दूसरा बार यहाँ पे वोट देने वाला हूँ और भारत में लगभग 60% युवा है। आप 2014 से केंद्र में सरकार में रहे पूर्ण बहुमत के साथ, 2017 से आपको मंत्रालय मिला है, आपका ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनटीपीसी सरकारी कंपनी है, टाटा पावर, अडानी पावर, ये सभी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो हैं। आपके मंत्रालय के तहत भोजपुर जिले में इन सभी कंपनियों को रोजगार के लिए नहीं बुलाया गया। आपने अनुशंसा किया, किसी भी प्राइवेट कंपनी को आपने लेटर पैड पे लिख दिया कि हमारा एक क्षेत्र है वहाँ पे रोजगार के लिए युवा बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया गया। तो ये जानकारी होनी चाहिए। कहाँ तक पढ़े लिखे आप? मैं मास्टर किया हूँ और चाहते पीएचडी कर रहा था। मास्टर किए गए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो सरकारी कंपनियाँ हैं वो सरकारी कंपनी को बहाली करने का एक नियम होता है और नियम आवश्यक है। नियम आवश्यक इसलिए है क्योंकि उस नौकरी पर सबका अधिकार है, तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। नौकरी नहीं, एनटीपीसी सरकारी कंपनी, अब उसमें कोई भी बहाली हो इसके लिए पहले एडवर्टीजमेंट निकलता है राष्ट्रव्यापी, बहाली नहीं, क्योंकि ये नेशनल कंपनी, तो तमिलनाडु का हो, असम का हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसमें फिर मेरिट और रिजर्वेशन के आधार पर सिलेक्शन होता है। ये हम कहेंगे कि हम मंत्री हैं तो हमारे जिला से सिलेक्शन हो, ये नहीं होता सर, ये होता है ये जहाँ पर कि मुख्य कानून चलता है। यहाँ पर मुख्य कानून नहीं चलता, यहाँ पर संविधान है। संविधान में सबको भारत सरकार के नौकरियों पर समान अधिकार है ना, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर बहाली करती है वो भी ये अपने मेरिट के अनुसार, उसमें भी वो अमूमन करता है ये इंटरव्यू और मार्क्स के आधार, अब वो भी एडवर्टीजमेंट के आधार पर करता है, तो यहाँ के लिए नौकरी रिजर्व नहीं होती। सर सुनिए ना, नौकरी के लिए नहीं बोल रहा, नौकरी के लिए नहीं, यहाँ फैक्ट्री एनटीपीसी एक भी नहीं है। बाढ़ 2005 बिहार में बाढ़ एनटीपीसी जो है 2005 में स्थापना किया गया, आपके मंत्रालय उधर रहते हुए भी आप खुद एक भी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपने सुना कि आर के सिंह जिस तरीके से युवा वहाँ के सवाल पूछते हैं कि यहाँ के युवा के लिए आपने क्या किया, इतने सारी कंपनियां हैं अडानी अंबानी की, तमाम जो कंपनी है उसमें आर के सिंह आज तक अपने क्षेत्र के युवा को आज तक वहाँ भर्ती नहीं करवाया, जिसको लेकर वो कहते हैं कि कितने पढ़े लिखे हो, आखिर कितना जानते हो, ये जानते हो कि बहाली निकलती है और राष्ट्रीय स्तर पर तब उसमें एंट्री ली जाती है, लेकिन जब वहाँ फॉर्म फिलअप होगा तब खुद से फॉर्म भरा जाता है। पढ़े लिखे हो तो ये ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सवालों में उलझा देते हैं, युवा के सवालों में उलझा देते हैं और बातों को खारिज करते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन वोटों में इसका क्या असर पड़ेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। 1 जून को जहाँ अंतिम चरण में, जी हाँ 7वें चरण में चुनाव होना है और वोट में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आज के नए वोटर, जी हाँ इस बार नए वोटर की संख्या ज्यादा है, तो नए वोटर क्या जागरूक होंगे, देखना होगा क्या इसका असर पड़ता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशभर न्यूज़, धन्यवाद।